मक्खी पकड़ रहा हूँ मक्खी। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भैया कुछ दिनों के लिए मुंबई गए हैं कुछ काम से। बाय 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 बाय। इंतिश बाय कर दे भैया को। छोड़ो यार गुल्ला खिला। जब पापा से चलो आ जाएंगे। गुल्ला चला गया। स्टे विंटर। अभी चाचा जी भी आए हुए हैं। विंटर अभी भी रसगुल्ले के पास ही घूम रहा है। इसको पता है कि भैया जा रहे हैं। देख लेता वो बैग वैग पैक होते हैं ना, तो उसको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई कोई तो जा रहा है थोड़े टाइम के लिए। बस फिर थोड़ी देर के लिए हम चाचा के साथ बैठे आने चले। अब विंटर की मेडिसिन को लगे हुए एक महीना हो गया, तो आज वो नहाएगा और दो दिन बाद फिर उसको मेडिसिन लगेगी। चलो विंटर। तो आज पापा और भाभी मार्केट गए थे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोमोज लेकर आए वो लोग। मुझे काफ़ी टाइम बाद अच्छे वेज मोमोज खाने को मिले। जो ऊपर का कवर होता ना मैदे का, वो इसमें पतला था, तो उससे क्या है टेस्ट प्रॉपर आता है। विंटर हाथ मत लगा बेटा, नहीं वो पकड़ेगा। तो 19 अगस्त हो गया है, पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आज। आज भी सेम मोमोज ले आए थे ये लोग जाके मार्केट से ना। ये तो ऐसा तो मैंने पहले नहीं देखा कभी, केक स्पेशल बनवाया। क्या कर रहा है? आज मम्मी ने येलो पहन लिया। भाभी विंटर का वनीला आइसक्रीम लेकर आ चुकी है। ये विंटर ना बहुत देर से एक मक्खी ढूंढ रहा है। तो भाभी अभी भैया को वीडियो कॉल लगा रही है ताकि भैया भी विश कर दें साथ में पापा को। पापा देखो,
ऊपर सारा ये बटरस्कॉच की क्रम्स ही है, वो ढीला ढीला मतलब बाहर रखा हुआ है ना किधर से, इसको फिर फ्रिज में रख। मक्खी पकड़ रहा, मक्खी मक्खी। हाँ जी हाँ जी, हाँ विंटू को आइसक्रीम को थोड़ी जमने दो फिर दूंगा। सिट स्टे ईट। तो विंटर को मैंने एक्चुअली हाफ आइसक्रीम ही दी, हाफ मैं खा गया अभी, क्योंकि 15-20 दिन पहले मैंने उसको हाफ आइसक्रीम खिलाई थी जब उसका वैक्सीनेशन लगा था ना। भाभी मेरे लिए ब्राउनी भी लाई थी, उसके साथ हाफ आइसक्रीम मैंने खा ली और हाफ विंटर को खिला दी। तो अभी बस मैं मम्मी का क्लास शूट कर रहा था, तो आपको मम्मी का गाना सुनाते हैं आज एक। चलो क्लास का शूट खत्म हुआ तो क्या सुनाओ, बंगला हिंदी मिला के सुना दो। की कोरे बोले बो तुम्हारे आशुले मन की जे चाहे, केनो से पालिए बेड़ाए तुम्हार थेके, तुम्हें जानते কত স্বপ্ন উড়ে যায়, তুমি চিনতে পারোনি আমাকে হাই, কুছ কহো না সুনো পাস মেরে রহো, ইশক কি কেসি হ্যায় গহরাইয়া। तो बर्थडे के दिन ही रात को हम पापा और मैं वॉक कर रहे थे, तो हमें देखो एक और पतंग, वॉक करते करते ऊपर से एक पतंग लैंड करी, आई थिंक पेड़ में अटकी होगी, वो लैंड करी और नीचे आ गई रिंकू भैया के घर के सामने। ब्लू कलर की प्यारी सी पतंग, ये देखो बहुत सारी पतंगें मिल गई मेरे को, और भी पेड़ों पर लटकी धीरे धीरे आएंगी वो नीचे। ये देखो विंटर के फेस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलते हैं, गुड नाइट।